यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से निजी कंपनियों को 700 बसें हायर करने और बिना किसी पॉलिसी के प्राइवेट बसों को प्रॉफिट वाले रूट पर चलाने के रोष में कर्मचारियों ने रोडवेज का चक्का जाम किया है। तो आपको बता दें कि लगातार हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और 700 निजी बसों को हायर करने के लिए यहां पर लगातार रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि तकरीबन 4000 से ज्यादा बसें इस वक्त रुकी हुई हैं। सरकार है ये कर्मचारियों पर कुठाराघात करने जा रही है, 700 प्राइवेट बसों को परमिट देने जा रही है, उसके विरोध में आज हमने चक्का जाम कर रखा है। हमारी बहुत सी मांगे हैं जो सरकार मान तो लेती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती। ऐसी झूठी सरकार हमने आज से पहले कभी नहीं देखी और हम चेतावनी देते हैं कि अगर एक भी बस स्टैंड के ऊपर प्राइवेट भेजी गई तो हम अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम कर देंगे और बस को नहीं घुसने देंगे। वैसे तो ऑल इंडिया की स्ट्राइक है लेकिन हरियाणा रोडवेज ने अपनी कुछ मांगों को लेकर के आज का ये कॉमन प्रोग्राम बना दिया। इनमें मेन जो 700 गाड़ियाँ हायर कर रहे हैं उसके विरोध में इन्होंने ये जो है ना स्ट्राइक की हुई है। लेकिन सरकार की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि रोडवेज का विकास हो, रोडवेज की प्रगति हो। सरकार अपने चहेतों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने ये नीतियाँ लेके आ रही है। हर दिन नए नए एजेंडे सरकार पेश कर रही है जिससे कर्मचारियों में रोष है। और आने वाली 5 सितंबर को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी कॉल है, अगर सरकार इस स्ट्राइक से राष्ट्रव्यापी आंदोलन से नहीं चेताई तो आने वाली 5 सितंबर को भी हम स्ट्राइक करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें सरकार की पूरी जिम्मेवारी होगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हमारे जो राष्ट्रीय यूनियन हैं, देशव्यापी हड़ताल है ट्रांसपोर्ट की। जो केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट एक्ट 2017 को राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी पास कराने के लिए असफल प्रयास कर रही है, साथ में हरियाणा की सरकार उससे 2 कदम आगे जाते हुए हरियाणा परिवहन विभाग के अंदर 700 प्राइवेट गाड़ियों को जो हायर करने का फैसला लिया है, ये पूर्ण रूप से जन विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। शायद वर्तमान सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए जनता जनार्दन की खून और पसीने से खड़े किए गए इस विभाग को तालाबंदी करना चाहती है।